हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक. गुड मॉर्निंग. एंड या जब मैं ये वीडियो पोस्ट करूँगी सो इट विल बी गुड आफ्टरनून इन सम ऑफ द प्लेसेस. सो गुड मॉर्निंग एंड गुड आफ्टरनून माय फ्रेंड्स. तो मैं पार्किंग लॉट पे हूँ एंड मेनी ऑफ यू हैव गेस्ड इट दैट मैं अपने क्लब पे ही हूँ. पर आज बहुत ज़्यादा ठंडा है. आई थिंक सो द फील्स लाइक टेम्परेचर इज -7. क्योंकि मेरे चैनल पे आई वॉन्ट से द टेम्परेचर वेदर के बारे में मैं ना बोलूँ तो कैसा हो सकता है. एंड अभी चलिए जल्दी जल्दी क्लब चलते हैं. लेट मी गो इनसाइड एंड मैं फ़ोन रख देती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडा है. लाइक माई हैंड इज़ शेकिंग. ओ माई गॉड, इट्स वेरी कोल्ड. So it's been more than 1.5 hours and I'm walking today. Just मैं normal walk कर रही हूँ. So now I'll go home and really this is the place जहाँ से मुझे बहुत ज़्यादा motivation मिलता है. मुझे पानी लेना है. Let me take the water. पता नहीं, this is one place which I love to come. Like अगर हो सके I will come daily, पर कभी कभी you know नहीं होता है. But I get so much motivated. Like अब देखेंगे so many like ओल्ड पीपल आर देयर और वो लोग इतने ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं. एंड प्लस लाइक एक बहुत ज़्यादा एनर्जी है, जो बोलते हैं ना, एक पॉजिटिव वाइव मिलता है. तो दिस इज़ द प्लेस वेयर आई गेट ऑल द पॉजिटिव वाइव और मुझे लाइक बहुत ही अच्छा लगता है. एंड अभी हो गया. लेट मी गो होम एंड लेट मी सी कि हाउ मेनी माइल्स डिड आई वॉक टूडे. सो फाइनली मैं अभी लौट के आई हूँ एंड नाउ द टाइम इज 11:30. बहुत लेट हो गया है. एंड आने के बाद बहुत ज़्यादा भूख लगता है. सो आई एम हैविंग पेयर्स. स्मूदी खाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है. पता नहीं, आज बहुत ज़्यादा ठंडा है बाहर में. एंड टुडे एक्चुअली आई वॉकड ए लॉट. आई विल जस्ट शो यू ऑल. क्योंकि मैं आज मुझे ऐसा ही सिर्फ वॉक करना था और फिर ऐसे वॉक करते करते मुझे लगा लेट मी कॉल वन ऑफ माई फ्रेंड. क्योंकि बहुत दिन होता है यू नो, समटाइम्स ऐसा नहीं होता है. कभी कभी हम लोग सभी बिजी रहते हैं. तो वो आज घर पर ही थी. सो मुझे लगा लेट मी कॉल हर. एंड फिर हम लोगों ने एक घंटा बात किया. उससे पहले हाफ एन आवर आई वॉज वॉकिंग. तो लेट मी शो यू. ओ माई गॉड, मैंने आज बहुत ज्यादा लाइक बहुत ही ज्यादा वॉक कर लिया. पता नहीं, आई डोंट नो यू ऑल कैन सी और नॉट. या आई थिंक सो नाउ यू ऑल कैन सी राइट. सो इट्स अराउंड 4.7 miles एंड 10,000 steps. बहुत ही ज़्यादा वॉक कर लिया क्योंकि शाम को राय का आज एक्टिविटी नहीं है. तो जनरली एक्टिविटी नहीं रहता है तो मैं उसको लेके जाती हूँ. बट एनी हाउ आज ऐसा भी मैं उसको क्लब लेके नहीं जाऊँगी बिकॉज आई वॉन्ट हर टू टेक रेस्ट. तो अभी मैं पियर्स खाऊंगी. एंड हाँ, विंटर्स में यू नो लिप्स बहुत ही ड्राई हो जाते हैं. फॉर दैट डेफिनेटली कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड. ट्रस्ट मी, अगर आप हाइड्रेट रखेंगे तो लिप्स इतना ड्राई नहीं होता है. बट एटलीस्ट वीक में वन टाइम स्क्रब योर लिप्स. तो मैं बहुत ही एक ईजी DIY करती हूँ. तो वो आज करने जा रही हूँ. दैट इज नथिंग, बहुत सिंपल है. शुगर एंड हनी, दैट्स इट. अगर आपके पास ब्राउन शुगर है तो और भी अच्छा है. अदरवाइज यू कैन टेक द नॉर्मल शुगर. और ये DIY बहुत ही ईजी है. जस्ट टेक लिटिल बिट ऑफ ब्राउन शुगर एंड देन आई एम एडिंग लिटिल बिट ऑफ हनी. बस हो गया. दोनों को मिक्स कर लीजिए. मैं अभी नहाने जाऊंगी. उससे पहले आई विल डू दिस वन. एंड अगर आप चाहे यू कैन एड लिटिल बिट ऑफ कोकोनट ऑयल. सो दिस इज वन DIY जो मैं विंटर्स में करती हूँ क्योंकि लिप्स के लिए बहुत ही अच्छा है. एंड बस मेरा हो गया है. आई डिड इट फॉर 2 minutes एंड अभी मैं पागल की तरह लग रही हूँ. सो नाउ आई विल गो एंड टेक ए शावर. एंड फेस भी वीक में सिर्फ 2 times मैं एक्सफोलिएट करती हूँ. लाइक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्सफोलिएट योर फेस, यानी स्क्रब योर फेस. बट डेली मत कीजिएगा. ट्रस्ट मी, अगर आप डेली करेंगे तो स्किन बहुत ख़राब हो जाएगा. जस्ट 2 times आपको करना है. सो वो भी मैं वीक में 2 times करती हूँ. खाना भी हो गया है एंड फिर मैंने पूजा भी दे दिया. एंड थर्सडे को लाइक पूजा एक बहुत बड़ा, ऐसा लगता है बहुत बड़ा काम है. एंड पूजा हो जाए तो लगता है ओ माय गॉड कितना रिलीफ हो गया. तो अभी राय के लिए लाइक हम लोग सबके लिए मैं एक पतला मसूर की दाल बना. तो वही मैं बहुत ही आज एक सिंपल
लंच बनाने जा रही हूँ तो मैं मसूर की दाल बनाऊंगी एंड फिर मैं आलू भाजी बना लूंगी एंड मैं सोच रही हूँ एक अंडा करी बना लूँ रात के लिए। एंड अभी मैं ये तो 6 मिनट्स में हो जाएगा, तो अभी मुझे और एक बड़ा काम करना है, दैट इज आई हैव टू कॉल इंडिया। मैं देखती हूँ अभी इंडिया में कितना टाइम हुआ है। नाउ दिस टाइम डिफरेंस यू नो इज अ बिग प्रॉब्लम, आई थिंक सो इन इंडिया। अभी लेट मी सी कहाँ है मेरा। सो मुझे अभी फोन करना है। इंडिया में इट्स 10:58 यानी इट्स गोइंग टू बी 11 o'clock, तो 11:30 तक सब लोग सो जाते हैं। कल आई वॉज नॉट एबल टू टॉक विद देम। कभी कभी यू नो नहीं होता है, लाइक काम में एक बार बिजी हो जाए एंड जब ऐसा लगता है फ्री हो गए, सपोज 1 o'clock दैट टाइम तो सब लोग सो जाते हैं, तो वही। तो मेरा दाल अभी हो जाएगा एंड इन द मीन वाइल मैं थोड़ा सूप पीऊंगी। आई नो मेनी ऑफ यू से कि मैं कुछ नहीं खाती हूँ, नहीं मैं खाती भी हूँ पीती भी हूँ। सो अभी मैं टमेटो सूप पी रही हूँ एंड आई एम कॉलिंग माई डैड। तो मेरा अभी खत्म हुआ मम्मी के साथ बात करना एंड मैं जल्दी जल्दी अभी आलू भाजी एंड मेरा दाल हो चुका है। ओनली मुझे छौका लगाना है, तो मे बी मैं थोड़ा प्याज और पाँच फूरन से छौका लगाऊंगी। एंड रात के डिनर के लिए, अभी तक लंच के लिए मैं यही बना रही हूँ, बहुत ही सिंपल है। एंड रात के डिनर के लिए लाइक मैं कुछ भी अभी प्लान नहीं कर रही हूँ, मैं देखती हूँ लाइक राय हाउ इज शी फीलिंग। उसका पेट अगर ठीक है, लाइक दर्द वर्द नहीं हो रहा है, तो मे बी आई विल मेक स्वीट पटेटो पराठा। स्वीट पटेटो खाना अच्छा है, आई डोंट नो, मैं बहुत ही कंफ्यूज हो जाती हूँ जब ये सब आता है। तो मैं वही अपनी मम्मी से पूछ रही थी, क्योंकि हम लोग जितने भी बड़े हो जाए, आई थिंक सो इन फ्रंट ऑफ आवर मॉम हम लोग बच्चे ही रहते हैं। तो मैं वही पूछ रही थी मम्मी को कि क्या दूँ, तो मम्मी बोल रही थी नो, तुम बहुत ही लाइट दो उसको। तो वही अभी मैं करने जा रही हूँ। एंड या आप लोग बहुत जन पूछते रहते हैं कि पाई ये नाइफ कौन सा कंपनी का है, तो ये नाइफ इज ऑल्सो फ्रॉम माई फेवरेट स्टेनलेस स्टील कंपनी, दैट इज गुड ग्रिप OXO। एंड ये दिस नाइस नाइफ वॉज अराउंड आई थिंक सो $30 or $40 था, पर ये बहुत अच्छा है, मैं बहुत साल से यूज कर रही हूँ इसको, इट्स बीन मोर देन 4 years। तो अभी मैं जल्दी सब चॉप कर लेती हूँ एंड सॉरी अगेन फॉर दैट साउंड। पता नहीं जब भी मैं वीडियो आई ऑन द कैमरा एंड मैं बात करने आती हूँ तभी ये लोग मशीन स्टार्ट कर देते हैं। आज भी लैंडस्केपिंग वाले काम कर रहे हैं, जनरली वो लोग वीक में दे वर्क फॉर 2 days और वो लोग सब क्लीन वीन करते हैं। सो ये आलू की भाजी वेरी इजी है। व्हेन द ऑयल इज हॉट, फर्स्ट आई हैव एडेड लिटिल बिट ऑफ कलौंजी एंड देन मैं इसमें अनियंस ऐड कर रही हूँ, बहुत ही कम अनियंस, मे बी हाफ अनियन। एंड देन आई हैव एडेड द चॉप्ड पोटैटो, सम टर्मरिक पाउडर एंड सॉल्ट। बस हो गया, नाउ जस्ट यू हैव टू फ्राई देम नाइसली एंड कवर इट विद अ लिड फॉर सम टाइम। ये बहुत जल्दी 10 मिनट में हो जाता है। So my aloo bhaji is ready now. And मेरा दाल भी हो चुका है, only मैं भी तड़का दे दूंगी, तो तड़का मैं सेम इसी पैन में दूंगी एंड धोने का भी जरूरत नहीं है। So ये हम लोग बहुत ही एक पतला मसूर की दाल बनाते हैं जिसमें हम लोग छौका देते हैं। मैंने आज छौका थोड़ा प्याज एंड फिर थोड़ा पाँच फूरन से दिया है एंड वहाँ पे मैं राइस बिठा रही हूँ। तो मेरा दाल भी हो गया है। सो टुडे आई हैव अ लॉट ऑफ टाइम, सो आई विल स्टार्ट किचन क्लीनिंग नाउ। और जितना भी आप डिश वॉशर यूज कर ले, यू हैव टू वॉश सम यूटेंसिल्स विथ योर हैंड, ट्रस्ट मी, नहीं तो बहुत ज्यादा हो जाता है। तो कुछ मैं यूटेंसिल्स में हैंड से वॉश करूंगी एंड दिस ऑल यूटेंसिल से, दिस ऑल आर कॉपर कोटेड, ये भी आपको हैंड से ही धोना है, बिकॉज इफ यू वॉश इन मशीन तो जितना आप वॉश करेंगे ये कोटिंग खराब हो जाएगा। एंड मैं ये कभी भी यूज नहीं करती हूँ, आई ओनली यूज दिस व्हेन आई सो सम, यू नो जब मैं रेसिपी बनाती हूँ ताकि देखने में सुंदर लगेगा, दे आर रियली ब्यूटिफुल लाइक होटल में जैसा होता है, तो इसीलिए मैं यूज करती हूँ वंस इन ए वाइल वॉश द डिशेज। एंड या एक्चुअली वन ऑफ माई सब्सक्राइबर शी ओनली टोल्ड मी दिस वन, मुझे तो पता ही नहीं था, बिकॉज इन दिस कंट्री यू नो
like to wash also there are so many things ki kabhi kabhi we don't see also like bahut sara saman aise hum log dekh ke bhi andekha kar dete hain to ye bahut acha ye this is just a simple steel wool so these are steel wool pads to wash the stainless steel utensils and wo bol rahi thi ki payal tumhare paas itne sare stainless steel utensils hai aur generally main aluminium foil leti thi then I used to make a ball and main usse wash karti thi तो she was like पायल तुम ये खरीदो so for that I got this one ये बहुत ही अच्छा है this is the SOS steel wool pads many of you must be knowing मैं ही हूँ जिसको कुछ दिखाई भी नहीं देता है definitely I will recommend that whenever you are using steel wool just wear a gloves पर मेरा gloves फट गया है so I don't have any gloves now और जितना भी डिशवॉशर हो ये ट्रस्ट मी आई श्योर कि बहुत जन बोलेंगे कि हाथ से तो बर्तन धोना ही पड़ता है एंड डिशवॉशर में इतना जगह भी नहीं रहता है तो अभी मेरा किचन क्लीनिंग स्टार्ट हो रहा है एंड मैं जब भी किचन क्लीन करती हूँ लाइक द किचन कैबिनेट जो मेरे गैस स्टोव के ऊपर में है मैं वो भी थोड़ा क्लीन कर लेती हूँ तो एक साथ में लाइक सभी कुछ क्लीन हो जाता है क्योंकि बाकी का किचन कैबिनेट गंदा नहीं होता है बट ये जो किचन कैबिनेट है जो गैस स्टोव के पास है जिसमें बहुत सारे मसाले रहते हैं ये थोड़ा गंदा हो ही जाता है सो नाउ आई विल बी क्लीनिंग माई डाइनिंग टेबल एक्चुअली ग्लास का डाइनिंग टेबल अगर गंदा हो जाए ना तो बहुत खराब लगता है बिकॉज यू कैन सी द हैंड प्रिंट्स ऑल्सो तो वो मुझे साफ करना है और वन थिंग टू क्लीन द ग्लास डाइनिंग टेबल इज न्यूज़पेपर अगर आपके पास है तो ये बहुत ही मैं बोलूंगी बहुत ही इकोनॉमिक वे है टू क्लीन योर ग्लास डाइनिंग टेबल पर पता नहीं कितना देर तक ये साफ रहेगा क्योंकि अगर आप हाथ भी देना तो हाथ के प्रिंट्स भी आ जाते हैं और बहुत खराब लगते हैं देखने को एंड दैट स्मॉल थिंग इज वेरी नाइस आई हैव शेयर्ड विद यू लॉन्ग बैक दैट इज यू नो वेर यू कैन कीप योर फोन एंड आप फोन देख सकते हैं वो जो शू है तो मेरा लास्ट काम है एंड देन आई एम ओवर फिर मुझे राय को लेने भी जाना है तो इट्स ऑलमोस्ट राइज टाइम टू कम एंड इतनी अच्छी तरीके से किचन साफ किया है तो एक कैंडल तो जलाना बनता ही है फाइनली मेरा किचन अच्छी तरीके से क्लीन हो गया है मैंने सब कुछ बहुत ही अच्छी तरीके से क्लीन किया है एंड या कभी कभी आप लोग बोलते रहते कि पायल तुम्हारा किचन मेसी लगता है बिकॉज व्हेन आई वेक अप इन द मॉर्निंग दैट टाइम मेरा किचन ऐसा ही रहता है देन मेकिंग टू लंच बॉक्सेस एंड उसके बाद आई इमिडिएटली लीव फॉर द जिम क्योंकि घर में ही रह जाए सो यू नो टाइम नहीं मिलेगा एंड आने के बाद फिर मैं लंच बनाती हूँ उसके बाद मैं क्लीनिंग करती हूँ फिर रात को थोड़ा खाना बनाता है तो फिर गंदा हो जाता है फिर मैं क्लीन करती हूँ क्योंकि व्हेन आई शूट यू नो मैं ऐसा नहीं सोचती हूँ कि आई हैव टू क्लीन माय किचन सी इट्स अ नॉर्मल लाइफ मोस्ट ऑफ द हाउस ऐसा होता है अभी यहाँ पे वी डोंट हैव एनी हेल्पर कोई भी नहीं है सो लाइक हर वक्त मैं कुछ बनाऊँ एंड देन फिर कुछ क्लीन करूँ बहुत ही हार्ड हो जाता है मेरे लिए क्योंकि सुबह मैं भी थोड़ा बिजी रहती हूँ एंड लेट्स ऑफ ऑल द लाइट क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी सेव करना है क्योंकि यहाँ पे विंटर्स में बिल्स आर रियली क्रेजी मोस्ट ऑफ यू हु लिव इन दिस कोल्ड प्लेसेस आपको तो पता ही है दैट विंटर्स में हीटिंग बिल कितना ज़्यादा आता है सो दिस इज वन एक्स्ट्रा खर्चा जो मैं बोलूँगी नवम्बर से स्टार्ट होता है एंड इट गोज टिल अप्रैल तो वो एक एक्स्ट्रा बहुत सारा पैसा चला जाता है सो इसीलिए कैसे भी करके इलेक्ट्रिसिटी सेव करो एंड राय भी आ गया बहुत ज़्यादा ठंडा है लाइक आई कैन एक्सप्रेस कितना ठंडा है मम कम एंड सी टोपी भी नहीं पहना है या कोल्ड इट सीम्स शी इज हॉट या उसको हॉट यू आर नॉट हॉट एंड नाउ आई एम द स्टूडेंट राय का बैग बहुत ज़्यादा भारी है बिकॉज दे गेट द लाइक उसको उन लोगों को होमवर्क मिलता है तो वो बुक बहुत भारी है एंड राइस कंप्यूटर वो दैट इज़ वन थिंग तो ये रहा हम लोगों का बहुत ही सिंपल लंच आज जस्ट सम आलू भाजी सम दाल दैट्स इट एंड राइस एंड राय का ये बहुत फेवरेट फूड है उसको बहुत अच्छा लगता है
तो खाना खाने के बाद राय शावर लेगी और फिर उसको होमवर्क करना है एंड मुझे भी नीचे में थोड़ा काम है। सो मेरा लंच हो गया है एंड ऐसा नहीं है कि मैं लंच नहीं खाती हूँ। मेनी ऑफ यू आर सेइंग कि पायल तुम लंच नहीं, मैं करती हूँ बट लाइक आई कीप ऑन ईटिंग, लाइक छोटा छोटा करके मैं खाती रहती हूँ एंड वंस आई एम डन विद द लंच आई ऑलवेज टेक माई ग्रीन टी। तो मैं अपने बेडरूम में हूँ एंड आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू कैन सी द क्लोथ्स, कितना सारा है मेरे बेड पे जो मुझे अभी फोल्ड करना है, जो मुझे बहुत बोरिंग लगता है। एंड सेमी वन थिंग हाउस होल्ड वर्क जो आपको बोरिंग लगता है। आई नो वी ऑल आर डिफरेंट पर्सनैलिटीज, सभी को कुछ ना कुछ काम तो लाइफ में बोरिंग लगता ही होगा, ऐसा नहीं होगा। लाइक मुझे लगता है दैट नो वन कैन लाइक एवरीथिंग, कुछ तो एक हर वक्त हम लोगों को इतना अच्छा नहीं लगता है। लाइक दिस इज द लेजी थिंग दैट कपड़ा फोल्ड करना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं बट हैव टू डू, क्या करें। एक्चुअली मेरे हबी ही कैन फोल्ड क्लोथ्स वेरी नाइसली और बहुत जल्दी कर देते, पर यू नो कभी कभी टाइम नहीं होता है, जैसे कि वो रात में इतना लेट आते हैं, तो अगर टाइम मिलता है तो मैं कर लेती हूँ, बट कभी अगर मुझे टाइम नहीं मिलता है तो डेफिनेटली ही डज। एंड आप लोग सोच रहे होंगे पायल मिरर के सामने में क्यों बात कर रही है, क्योंकि अभी टाइम है कपड़ा फोल्ड करते करते मैं ये सिफोरा का मेरा फेवरेट शीट मास्क लगाऊंगी एंड दिस इज एल्गी फेस मास्क, दिस इज फॉर डिटॉक्सिफाइंग एंड प्योरीफाइंग। एंड मुझे ये लाइक आई लव जो सिफोरा का मास्क होता है बहुत ही अच्छा होता है एंड मैंने बहुत बार आप सबसे बोला है दैट आई लव देयर मास्क, तो मैं ये लगाऊंगी एंड ये लगाने के बाद आई विल फोल्ड माय क्लोथ। सो क्या बोलूं, दोनों ही काम मेरा एक साथ हो जाएगा। तो मैं बैठ गई कपड़ा फोल्ड करने और थर्सडे को बहुत सारे वीडियोस आते हैं जो मेरे फेवरेट लाइक चैनल है, तो मैं वही देख रही हूँ राय के साथ एंड फिर वीडियो खत्म हो जाए तो राय भी चली जाएगी होमवर्क करने एंड मैं चली जाऊंगी ऊपर क्योंकि बाकी का बहुत सारा काम है किचन में, मुझे डिनर भी बनाना है और मेरा कपड़ा फोल्ड करना हो गया है, तो मैं ऊपर आ गई क्योंकि मुझे थोड़ा डिनर का प्रिपरेशन भी करना है। एंड आज मैंने आई थिंक सो फर्स्ट टाइम आई एम वेयरिंग सॉक्स एट होम। तो अभी लाइक देख सकते हैं मेरा फेस बहुत ज्यादा हाइड्रेटेड लग रहा है। आई डोंट नो, आई लव मेरा ये सिफोरा का जो मास्क है, आई लव इट सो मच, पर कभी कभी टाइम ही नहीं मिलता है। दिस मास्क मैंने कब खरीदा था, बहुत पहले, आई थिंक सो आई परचेस्ड इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, फिर मुझे टाइम ही नहीं मिला, फिर आज मुझे लगा कि चलो लेट मी लाइक लगाती हूँ ये मास्क, बहुत दिन हो गया है। तो अभी टाइम है 5:30 एंड रात के डिनर के लिए भी हम लोग बहुत ही सिंपल खा रहे हैं। राय को बहुत अच्छा लगा था वो लाइक दाल, उसको लाइक दाल और आलू भाजी बहुत पसंद है। सो मैं एग करी भी नहीं बना रही हूँ, एग का कुछ स्पेशल भी नहीं बना रही हूँ, एग का बहुत ही ईजी दैट इज अंडा भुर्जी, तो मैं अंडा भुर्जी बना रही हूँ, वही हम लोग खाएंगे। एंड फॉर इवनिंग टाइम फॉर राय एंड मे बी आई मेक समथिंग एंड की फॉर माई हबी ऑल्सो, आई एम प्लानिंग टू मेक दैट झाल मुड़ी एंड मेनी ऑफ यू आर सेइंग कि बहुत ही अच्छा रेसिपी है, डेफिनेटली यू कैन ट्राई इट, कितना जल्दी हो जाता है। एंड हियर इफ यू वॉन्ट दिस वन विच आई हैव, वेट आई जस्ट शो यू ऑल, क्योंकि बहुत जन बोल रहे थे, दिस इज फ्रॉम एरोहेड मिल्स एंड सी इट्स रिटन पफ्ड राइस सीरियल एंड इनग्रीडियंट्स इज जस्ट पफ्ड ब्राउन राइस, सो यू कैन फाइंड इट इन द सीरियल सेक्शन। लाइक आई गॉट इट फ्रॉम माई लोकल, लाइक जो हम लोगों का विलेज का लोकल स्टोर है, सो आवर विलेज लोकल स्टोर में सिर्फ ऑर्गेनिक सामान रखते हैं, तो आई गॉट इट फ्रॉम देयर, बट आई थिंक सो आई हैव सीन दिस वन फ्रॉम वन, एक और शॉप का नाम क्या था, एक्ने ना कुछ ऐसा, पर यू कैन फाइंड इट एवरीवेयर इन द सीरियल सेक्शन, लाइक डाउन ही वो लोग रखते हैं ये, एंड दिस इज नथिंग बट मुरमुरा जो बोलते हैं, अभी मैं हिंदी सही बोल रही हूँ राइट, तो मैं सोच रही हूँ ये राय को बना के दूँ क्योंकि उसको बहुत अच्छा लगा था। एंड आज मैं सोच रही हूँ थोड़ा अलग तरीके से बनाऊँ, लाइक थोड़ा फ्राई करके जैसे हम लोग बनाते हैं, पता नहीं, और मे बी आई मेक द सेम मैथड, वो देखती हूँ, पर पहले मैं ये बना लेती हूँ
फिर मेरा एक काम खत्म हो जाएगा एंड विद दैट आई विल मेक रोटी. सो मैं रोटी भी आटा गूंद के रख देती हूँ. खत्म हो जाएगा हम लोग का वेरी सिंपल डिनर एंड वेरी सिंपल लंच रूटीन था आज. एंड एक भुज्जी का रेसिपी मैं क्या बताऊँ, इट इज सो इजी. सम अनियंस, टमेटोज एंड एग्स एंड अगर आप चाहे आप कोरिएंडर लीव्स भी दे सकते हैं एंड ग्रीन चिलीज. तो मेरा एक भुज्जी हो भी गया है. तो मैं अभी आटा गूंद रही हूँ क्योंकि अभी आई थिंक सो द टाइम इज 6:30 एंड 7:30 को ही मैं अपना डिनर कर लूंगी. ऐसा नहीं है मैं खाऊंगी एक रोटी, मैं खाऊंगी थोड़ा भुज्जी के साथ. तो फाइनली मैंने डिनर के लिए सब कुछ प्रिपेयर कर लिया है जो बहुत ही इजी है. मुझे लगता है आज का मेरा लंच एंड डिनर यू कैन मेक विद इन 20 मिनट्स ओनली. बट डेफिनेटली समटाइम्स वी ऑल कैन हैव सिंपल फूड एंड या मेनी ऑफ यू आर टेलिंग मी व्हिच इज़ ट्रू कि पायल विंटर में भूख लगता है. बट ट्रस्ट मी हियर द विंटर्स आर, मैं क्या बोलूँ, इतना क्रेजी यहाँ का विंटर्स है कि भूख क्या लाइक अगर आप ज़्यादा ऑयली फूड खाएंगे ना तो इट कॉजेस ए लॉट ऑफ प्रॉब्लम इन योर स्टमक. पता नहीं मेरा एक बार बहुत हालत ख़राब हुआ था. लाइक आई वॉज ऑन मेडिसिन्स फॉर मोर देन 1 month, आज नहीं 4 साल पहले. तो इसलिए विंटर्स में अभी हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग जितना हो सके वी ट्राई टू मेक इट सिंपल. फिर भी इतना सिंपल कहाँ होता है. एंड अभी मैं जा रही हूँ नीचे राय के पास बिकॉज राय इज डूइंग हर होमवर्क. आर यू डन? यू डूइंग सो राइट नाउ आई एम विथ राय एंड लाइक ए गुड गर्ल राय हैज फिनिश्ड ऑल हर होमवर्क एंड एक्चुअली आई लव राय'स ड्रेस. मम व्हाट डू यू कॉल दिस ड्रेस? इट्स कॉल्ड द वनजी. वनजी मुझे क्या पता. वन वनजी इज लाइक अ पजामा दैट्स टुगेदर बिकॉज़ ओके ओ पता नहीं इसे कुछ. व्हाट इज इट कॉल्ड? वनजी रियली? वनजी या ओके. इट्स नॉट कॉल्ड जंपर? नो इसको जंपर बोलते हैं ना. पता नहीं आई डोंट नो. ओके आई मैं कुछ भी नहीं मुझे पता. वेरी बैड इन ऑल दिस थिंग्स. सो विद दिस आई विल एंड टुडेज व्लॉग. आई होप सो आपको मेरा ये बहुत ही सिंपल लंच टू डिनर रूटीन पसंद आया है. एंड अगर पसंद आया है तो डेफिनेटली एक लाइक तो बनता ही है. एंड टुमारो इज फ्राइडे सो आई वॉन्ट टू विश यू ऑल हैप्पी वीकेंड. बहुत मस्ती कीजिएगा एंड आई विल मीट यू ऑन Monday for someone, Sunday night for some other people. But overall, happy weekend, have fun and definitely like kijiyega. And those of you who are watching for the first time, please do subscribe. Please do subscribe. So bye. Bye. Good night. Bye.